Okay. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मार्जिनल अकाउंटिंग का फिफ्थ पार्ट है. हमने कीप एक्टर के शायद क्वेश्चन करा दिए थे फोर्थ पार्ट में. अभी फिफ्थ पार्ट में उसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे. तो पहले तो एक ज़रूरी मुझे आप लोगों को बात बतानी थी. आप देख लो पहले वो ज़रूरी बात है क्या. ग्रुप टू जो लोग दे रहे हैं और जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, छुट्टी का समय है वो देखिए. ग्रुप टू वाले ध्यान से सुने, उनका जो सिलेबस है उसमें एक कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट, ठीक है. दूसरा है ऑपरेशन एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट. तीसरा है जीएसटी और चौथा है आपका कॉस्ट एंड एफएम, जिसमें एफएम का लगभग 50% पार्ट कवर हो चुका है. 50% क्या 75 कर सकते हैं क्योंकि वर्किंग कैपिटल हम स्टार्ट कर चुके थे. उसकी वीडियो क्लासेस हम डाल देंगे तो पूरा कवर हो जाएगा. कॉस्ट में मार्जिनल है, स्टैंडर्ड है, बजट है. ट्रांसफ़र प्राइसिंग वगैरह बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है. ये मेन है, ये चल रहा है. स्टैंडर्ड बजट ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन पीरियड में ही. जीएसटी में कस्टम हम ख़त्म कर चुके हैं, लेवी एंड कलेक्शन चल रहा था, ठीक है. यानी कि इसका 20% ख़त्म हो चुका है, 80% जीएसटी बाकी है. ऑपरेशन एंड एसएम 50-50 नंबर का है. आप लोग घर पे बैठे हो, 50 मार्क्स का एसएम आप खुद से तैयार कर लो. ऑडिट 50 मार्क्स की आप तैयार कर लो. सर कैसे तैयार करें? पिछले 5 साल के लास्ट 5 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स या 5 अटेम्प्ट या पिछले 5 साल के ऑपरेशन के जो भी क्वेश्चन पेपर है, स्कैनर से उठाइए, उसकी थ्योरी पढ़ा लिए. सेम ऑडिट में भी यही चीज़ करिए, आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा बगैर किसी दिक्कत के. कंपनी अकाउंट में इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग और इंश्योरेंस हमारा हो चुका है. बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है तो इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जब आप लौट के आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सोच लीजिए कि आपको रिवीजन करने का अब आपके पास समय नहीं है. या आप ये समझिए कि जो जो क्लास आप पढ़ेंगे ये आपकी रिवीजन है बस, ठीक है. ओके, अब हम आगे की बात करते हैं. जो हमें पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं. मैं आपको बता देता हूँ, जब आप मॉड्यूल उठाएंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग जब चैप्टर पे आएंगे, छोटी छोटी चीज़ें मैं समझा देता हूँ. पुरानी मॉड्यूल मैंने उठाया है कॉस्ट का, ये जो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिख रहा है, दिख रहे हैं ना आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है. ये क्वेश्चन बेसिकली नई जो कॉस्ट एंड एफएम की जो मॉड्यूल है ग्रुप टू की, उसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, ठीक है. देख लीजिए आप लोग. अब इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है 80,000 यूनिट बेच रहा है 15 रुपये में, 12 लाख रुपये. वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड दिया हुआ है. फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका दिया. द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज ₹1,00,000. अ कस्टमर फ्रॉम USA इज डिज़ायर ऑफ बाइंग 20,000 यूनिट एट अ नेट प्रॉफिट नेट प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट. एडवाइज द प्रोड्यूसर वेदर आर नॉट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड. विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ द कस्टमर इज लोकल वन. ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि ये क्वेश्चन स्कैनर में है या नहीं है, पूछा है कि नहीं, वो भी मैं आपको बता दूं.
बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम ये तो नहीं है, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। सेम ये तो नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है, मैं ऑपरेशन में जरा चेक कर लूँ एक बार। सॉरी, कॉस्ट एंड एफएम वाले में इसमें भी नहीं है। चलिए, लेकिन अब मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपने इलस्ट्रेशन देख लिया, पुरानी मॉड्यूल कॉस्ट में 14, और कॉस्ट एंड एफएम की जो मॉड्यूल है आपकी ग्रुप 2, उसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। सॉल्व करने चल रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 14 ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग और ग्रुप 2 के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर ये है 16, ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो आप सेल्स ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट, तो आपका आ जाता है प्रॉफिट। यूएसए वाला ऑर्डर, नॉर्मल, टोटल, ठीक है? अगर आप नॉर्मली जो बेच रहे हैं वो 12 लाख रुपए का बेच रहे हैं, 80,000 यूनिट, और आपकी कैपेसिटी कितनी है 1 लाख यूनिट की, यानी कि 80,000 यूनिट यहाँ बेच रहे हैं, तो यूएसए को कितना बेचेंगे? 20,000 यूनिट, कितने रुपए में? क्वेश्चन में कहा है 2, 10 रुपए, तो 2 लाख रुपए हो गया, और 12, 2, 14 लाख रुपए हो गया। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल आपको दिख रहा है 2,40,000 रुपए लग रहा है 80,000 यूनिट पे, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 80,000 से, 3 रुपए पर यूनिट हो गया। तो यहाँ पे 2,40 हो गया, 20,000 का इनका ऑर्डर है, 60 हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया 3 लाख। लेबर, लेबर लग रहा है 3,20,000 रुपए का 80,000 यूनिट पे, तो 80,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 4 रुपए हो जाएगा, और 20,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 लाख। मैं आपके समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल के नॉर्मल वो 80,000, यूएसए को बेच रहा है 20,000, और टोटल उसका है 1 लाख। ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है मैंने, इसको आप आंसर का पार्ट मत समझिएगा। वेरिएबल ओवरहेड या ओवरहेड 1,60,000 रुपये 80,000 यूनिट पे, तो 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा 2 रुपये, 2 × 20,000, तो ये हो जाएगा 40,000, यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख रुपये। अब आपका आ गया कंट्रीब्यूशन, 12 लाख में से 2, 3, 2, 5, 6, 7,60,000 रुपये माइनस कर दीजिए, सॉरी 12 लाख माइनस 2,40,000 माइनस 3,20,000 माइनस 1,60,000, तो 4,80,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है? फिर यूएसए वाले ऑर्डर में 2 लाख माइनस 60,000 माइनस 80,000 माइनस 40,000, तो 20,000 रुपये आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया,
तो टोटल 5 लाख रुपए आपके यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गए। अब फिक्स कॉस्ट कह रहा है 3,20,000 रुपये का लगेगा, तो 3,20, 3,20 प्रॉफिट यहाँ पे आ गया 480 में से माइनस कर दीजिए 3,20, 1,60,000। यहाँ पे प्रॉफिट 20 और यहाँ पे आ जाएगा 180। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लिया। बेटा जो आप फिक्स कॉस्ट 3,20 जब यहाँ पे खर्च कर चुके हो ना, तो पूरी कैपेसिटी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फुल के लिए होता। अभी 2 यूनिट बनाते तो भी फिक्स कॉस्ट इतना लगता, 1 लाख बनाओगे तो भी फिक्स कॉस्ट इतना लगेगा, 80,000 बनाओगे तो भी फिक्स होगा। तो जो एडिशनल 20,000 है उसके लिए नहीं, आपने जो 3,20,000 खर्च किए वो इतने के लिए खर्च किए, तो आपका प्रॉफिट ये आ गया 1,80। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ 80,000 यूनिट बना रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,60। अब आप 20,000 जो USA वाला ऑर्डर अगर आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो तो आपको टोटल प्रॉफिट हो रहा है 1,80, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हो तो 1,60। अब बात ये आती है कि क्या हम इसको डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते, बिल्कुल नहीं बेच सकते, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है वो है आपकी कितने रुपये, 15 रुपये। इंटरनेशनल USA में आप बेच रहे हो 10 रुपये में, ठीक है वहाँ चल जाएगा, लेकिन अगर फिर यही डोमेस्टिक मार्केट में एडिशनल ऑर्डर 10 का आप बेचोगे तो ये जो 15 वाले हैं ये ऑब्जेक्शन नहीं कर देंगे, तो आपकी गुडविल नहीं डाउन होगी, तो आप डोमेस्टिक में इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, USA के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, हो गया खत्म ये क्वेश्चन। अब इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 16 देख लीजिए। एन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चर मार्क एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2.50 पर पीस ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹14.30 बाई प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 6,000 pieces और 60% ऑफ द कैपेसिटी। हिज कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डायरेक्ट मटेरियल 3.50, डायरेक्ट वेजेस 1.25, वर्क ओवरहेड 50% फिक्स, सेलिंग ओवरहेड 25% वेरिएबल। ड्यूरिंग द करेंट ईयर ही इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेट दैट फिक्स चार्जेस विल गो अप बाय 10% विच डायरेक्ट लेबर रेट एंड मटेरियल विल इंक्रीज बाय 8% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। बट ही हैज़ नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन एन ऑफर फॉर फर्दर 20% ऑफ द कैपेसिटी। वाट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस टू एंश्योर दैट मैन्युफैक्चर एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹16,730। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 है पुरानी मॉड्यूल में, और यही इलस्ट्रेशन जब आप ढूंढेंगे ग्रुप 2 वाली मॉड्यूल में तो मिल जाएगा, ग्रुप 1 में है, सेम इलस्ट्रेशन ग्रुप 2 में भी है, देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, एन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर, देखिए कह रहा है सेलिंग प्राइस में कोई तब्दीली नहीं है, तो सेलिंग प्राइस ₹14.30। लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है, लेबर है, फिर आपका वर्क ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, इतना दिया हुआ है। मटेरियल ₹3.50 का दिया हुआ है लेकिन कह रहा है कि इसमें इंक्रीज है, लेबर ₹1.25 का दिया हुआ है इसमें भी इंक्रीज है, वर्क ओवरहेड 50% फिक्स है, सेलिंग ओवरहेड 25% वेरिएबल है। तो पहले आप पढ़िए नीचे, तो कह रहा है ड्यूरिंग द करेंट ईयर ही इंटेंड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेट दैट फिक्स चार्जेस विल गो अप बाय 10% विच डायरेक्ट लेबर रेट एंड मटेरियल विल इंक्रीज बाय 8%। यानी कि डायरेक्ट लेबर इंक्रीज हो रहा है 8% से, तो 108/100 कर दें, और मटेरियल इंक्रीज हो रहा है 6% से, 106/100 कर दें, 3.5 × 106/100 ₹3.71, 1.25 × 108/100 ₹1.35, 6.25 × 0.5
3 रुपए 12 पैसे, बीस पैसे, ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन 14 रुपए 30 पैसे माइनस 3 रुपए 71 पैसे माइनस 1 रुपए 35 पैसे माइनस 3 रुपए 12 पैसे माइनस 0.20, 5 रुपए 92 पैसे आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें से लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, तो या आप एक मिनट एक काम कर लीजिए, कंट्रीब्यूशन आप टोटल में निकाल लीजिए, कंट्रीब्यूशन वैल्यू, तो 6000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 5.92, तो 35,520 रुपये। अब इसमें से लेस करिए फिक्स कॉस्ट, वर्क ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, 3.12, क्योंकि 50% फिक्स है 50% वेरिएबल, 6000 × 0.60 क्योंकि 25% वेरिएबल था, 18,720 3600 जोड़ दीजिए, 320 प्लस 20% इंक्रीज 4464, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ रहा है 26,784 रुपये, माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी 10% इंक्रीज है, 22,320, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,232, तो यहाँ पे हो जाएगा 24,552, माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट आया 10,968, ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो आप इतना प्रॉफिट कमा चुके हो ना, तो कह रहा है कि एडिशनल 20%, तो एडिशनल 20% का निकाल लो, 6000 60% पे बन रहा है, तो 20% पे कितना बनेगा, तो 2000 यूनिट वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगी ना, मल्टीप्लाइड बाई, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप जोड़ डालिए, तो मटेरियल का 3.71, लेबर का 1.35, वर्क ओवरहेड का 3.12 और 0.20 सेलिंग ओवरहेड का, तो 8.38, 16,760 प्लस प्रॉफिट, भाई 10,998 कमा चुके हो प्रॉफिट, और कितना कमाने के लिए कह रहा है, टोटल 16,730 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए कह रहा है, नीचे दिया हुआ देख लीजिएगा क्वेश्चन में 10, अब इसको माइनस कर दीजिए 5,792, तो ये आ जाएगा सेल्स कितना, 11,27 रुपये, दैट्स इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 17 ग्रुप 1 की मॉड्यूल में है, ग्रुप 2 में भी एक क्वेश्चन है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, देख लीजिए। द डायनामिक कंपनी हैज 3 डिवीजन, द डायनामिक कंपनी हैज 3 डिवीजन ईच ऑफ विच मेक अ डिफरेंट प्रोडक्ट, द बजटेड डेटा फॉर द कमिंग ईयर आर एज फॉलोस, ए पी सी 3 डिवीजन है इनका, द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू क्लोज डाउन द डिवीजन सी, मैनेजमेंट कंसिडर कर रहा है कि डिवीजन सी को क्लोज कर दिया जाए, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कम नहीं होगी, आप भले डिवीजन शट डाउन कर दें, एडवाइज वेदर आर नॉट डिवीजन सी
शुड बी क्लोज डाउन, आपको यहाँ पे एडवाइस देना है कि क्या हम सी को क्लोज करें या ना करें। अब देखिए आप क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर क्लोज डाउन ऑफ सी, ए बी सी टोटल, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ही सिर्फ नोट कर लेना बस, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। दो मना ये पूछ ले, मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन नोट किया है, आप कैलकुलेटर चलाऊंगा, टोटल करूंगा सिर्फ 1,12,000 प्लस 56 प्लस 84, 2,52,000 टोटल सेल्स, 14 प्लस 7 प्लस 14 35,000 टोटल मटेरियल, 5,600 22,400 प्लस 7,000 35,000 लेबर, 14,7,28,49,000 एक्सपेंस, -14 -56 -14 78,000 कंट्रीब्यूशन आ गया, 56 -21 35,000 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया, 84 -14 -22,400 -28 19,600 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया, 1,32,600 यहाँ पे आ गया प्रॉफिट, 00005 प्रॉफिट, 21 लॉस, 84 62,600 70 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर शट डाउन या क्लोज डाउन, जो भी है क्लोज डाउन वर्ड यूज करेंगे, शट डाउन का मतलब होता है कि पूरी तरह से बंद हो गया, अभी भी सिर्फ क्वेश्चन ही नोट करना है आपको बस। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 78,000 ही आएगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 35,000 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट जब आप माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे 50,000 आएगा, यहाँ पे 21,000 आएगा, और यहाँ पे जो लॉस आएगा वो कितना आएगा, 28,000। 50 + 21 -- 28 तो 40
43,000 का टोटल प्रॉफिट आएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे भाई। कुछ गलत कर दिया मैंने शायद। ₹78,400 है, 50,400 गलती हो गई थोड़ी सी। 78,400 प्लस 35 प्लस 19,600 1,33,000 63,000। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, हाँ तो 78,400 प्लस 35 113,400 माइनस 28,70। ये जब आप शट डाउन नहीं कर रहे हो, क्लोज डाउन नहीं कर रहे हो तो 63,000 का प्रॉफिट है, जब क्लोज डाउन कर देते हो तो 43,000 का प्रॉफिट है। तो बेटर ये है कि आप क्लोज डाउन ही ना करो। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 मॉड्यूल, पुरानी मॉड्यूल ग्रुप वन, ग्रुप टू में भी है सेम इलस्ट्रेशन, देख लीजिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। द मैनेजर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स दिया हुआ है 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, फिक्स कॉस्ट 80,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000, इनकम टैक्स 60% नहीं दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट 32,000। सीधे से इस केस के बीच का डिफरेंस निकाल लो तो ये आ जाएगा। द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग द प्लांट, द इंक्रीज फिक्स कॉस्ट विद प्लांट एक्सपेंशन विल बी 40,000। यानी कि पहले फिक्स कॉस्ट कितना था 80, और जो अब एक्सपेंड करेंगे तो उस पर 40,000 लग जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट द मैक्सिमम प्रोडक्शन इन न्यू प्लांट विल बी वर्थ ₹2,40,000। द कंपनी ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न एडिशनल इनकम 3,200 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन। गिव योर ओपिनियन ऑन प्लांट एक्सपेंशन। देखिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, फिर एक्सपेंशन करेंगे तब क्या सिचुएशन है, और टोटल। तो अभी प्रेजेंट में जो सेल्स है वो 4,00,000 रुपए की है, एक्सपेंशन करेंगे तो सेल्स कितने की हो जाएगी 2,40,000 रुपए की, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल सेल्स कितने की हो गई 6,40,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेल्स का 60% 2,40,000 रुपए, तो यहाँ पे भी 60% ही होगा, 2,40 का 60 ले लो 1,44,000 टोटल कर लो 3,84,000। क्या आ गया आपका कंट्रीब्यूशन 1,60,000 रुपए, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आया 96,000, यहाँ पे आया 2,56,000, यहाँ पे आया। माइनस कर दीजिए इसमें से फिक्स कॉस्ट 80,000 यहाँ पे है, कितना बढ़ जाएगा फिक्स कॉस्ट 40,000। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना आ गया 1,20,000। क्या आ गया भाई आपका प्रॉफिट
बिफोर टैक्स कितना है यहाँ पे 80,000, 56,000, 1,36,000 टैक्स माइनस कर दीजिए 60%, 48,000, 33,600, 81,600 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आ रहा है 32,000 22,400 54,400। अब एक बात बताइए कंपनी कितना इनकम चाह रही थी, कंपनी इनकम चाह रही थी 3200 एक्सपेंड करने पे, और आफ्टर एक्सपेंशन आपकी इनकम कितनी बढ़ गई आफ्टर एक्सपेंशन 22,400। तो ये जो आप ओपिनियन देंगे क्या देंगे, एक्सपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दे दीजिए भैया अपना ओपिनियन, रुकिएगा नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 बिल्कुल नहीं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ आपको ऐसे ही मैं समझा दे रहा हूँ। नई मॉड्यूल में भी सेम इलस्ट्रेशन है, मतलब नई मॉड्यूल का मतलब है कि ग्रुप 2 की भी मॉड्यूल में सेम इलस्ट्रेशन है। देख लीजिए, अ कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1,00,000 यूनिट, 1,00,000 यूनिट की कैपेसिटी है, ये चीज़ याद रखिएगा, 1,00,000 यूनिट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ, द सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट दैट द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ सेल्स प्राइस इज पॉसिबल, परसेंट कैपेसिटी दिया और सेलिंग प्राइस दिया अलग अलग, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बिटवीन दीज लेवल इज 15 पैसे, फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपये। कैन आई प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ ईच स्टेज, अब इसमें मजा लीजिए, 1,00,000 टोटल कैपेसिटी, कितने परसेंट कैपेसिटी काम कर रहा है 60, तो पहले यूनिट निकाल लीजिए, 1,00,000 का 60% 60,000, 70% 70,000, 80% 80,000, 90% 90,000, 100% 1,00,000 सेलिंग प्राइस दिया हुआ, 60% कैपेसिटी पे 90 पैसे, तो 0.90 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 70% पे 80 पैसे, 0.80 से मल्टीप्लाई कीजिए, 80% पे 75 पैसे, 0.75 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90% पे 67 पैसे, 67 पैसे से मल्टीप्लाई कीजिए, 100% पे 61 पैसे, 100% पे, तो उससे मल्टीप्लाई कीजिए। वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है 15 पैसे पर यूनिट, तो 15 पैसे को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पैसे को, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट 40,000 दिया ही हुआ है, ये देखिए, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इन्होंने कहा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट बताइए, तो डिफरेंशियल कॉस्ट, तो पहले कॉस्ट देख लीजिए, 49 और 55,000, 50,500 में डिफरेंस कितने का 1,500, फिर इनके इनके बीच में डिफरेंस कितने का 1,500, इनके इनके बीच में डिफरेंस 1,500, इनके इनके बीच में